एक ऐसी कंट्री जहां का टोटल 20% जीडीपी सिर्फ जनरेट होता है उनके टूरिज्म की वजह से, और वर्ल्ड में उसकी हिस्सेदारी है 10% तक, यानी कि एक कंट्री जहां पे टूरिज्म काफ़ी मायने रखता है और काफ़ी सारे इंडियंस वहां पे साल में महीने में जाते भी हैं एज ए मज़े करने के लिए और ऑफकोर्स नई नई चीज़ें देखने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड की। थाईलैंड में ऑफकोर्स काफ़ी सारे इंडियंस जाते हैं, और अगर आप प्लान कर रहे हैं थाईलैंड जाने के लिए या जाके आ चुके हैं तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ थाईलैंड को लेके जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जाने से पहले। सो ये है ऐसी 10 चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप बैंकॉक जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। सबसे पहली जो चीज़ है वो है बैंकॉक की टैक्सीज को लेके। जैसे ही आप बैंकॉक के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो ऑफ कोर्स आपको अपने होटल जाने के लिए टैक्सी की ज़रूरत होगी, और ये टैक्सीज आप डायरेक्ट बाहर जाके मत लेना, वहाँ पे उनके ग्राउंड फ्लोर पे जाना, वहाँ पे आपको टैक्सीज की फुल लाइन मिलेगी, क्यू मिलेगी। आप उन टैक्सीज के पास जाएंगे जहाँ पे और भी आपको टूरिस्ट मिल जाएंगे, वो आपको टैक्सीज एक अच्छे रेट पे आपके होटल में पहुँचा देगी मीटर्स के साथ में। अगर आप बैंकॉक के रश आवर में फंस चुके हैं तो आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप उनके मेट्रो, उनकी जो शिप्स होती हैं उनको यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ की जो स्काई मेट्रो है वो काफ़ी सुविधाजनक है, आपको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देगी। इसके लिए आप एयरपोर्ट से भी कार्ड बनवा सकते हैं या उनके मेट्रो स्टेशन से कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप रश आवर के टाइम पर वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि आपकी गाड़ी मूव भी नहीं करेगी, तो अगर आप टैक्सी वगैरह लेंगे तो आप फंस सकते हैं। तो एज अ फर्स्ट टाइम ट्रेवल टू बैंकॉक इस चीज़ का ध्यान रखें। थर्ड है वहाँ की करेंसी को लेके। जब भी आप बैंकॉक में ट्रैवल कर रहे हो, खासकर आप मोस्टली टैक्सी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ की टुकटुक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको चाहिए होंगे खुले पैसे, तो अपने पास में हमेशा खुले पैसे रखिए। थोड़ा हार्ड होगा कैरी करने के लिए, बट कॉइन्स रखेंगे, छोटे नोट रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि एज ए फॉरनर अगर आप 1000 का बाद का नोट लेके घूमेंगे और वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे उसको, तो आपको काफ़ी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ से ब्रेक करवाना है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। फोर्थ है, अगर आप बैंकॉक में शॉपिंग करने के हिसाब से जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे जो लेबल्स लगे होते हैं कपड़ों पे किसी भी शॉपिंग के प्रोडक्ट के ऊपर, वो नहीं होते हैं, तो टूरिस्ट के हिसाब से वो आपको अलग रेट बताएंगे, अगर आप लोकल के साथ में हैं तो आपको अलग रेट बताएंगे। तो ये दो टाइप की वहाँ पे चीज़ें चलती हैं, आपको वहाँ पे MRP देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एक पेयर ऑफ शॉर्ट्स किसी मॉल में 50 की मिल रही है, तो मान लीजिए आपको मार्केट में 100 की भी मिल सकती है या 20 की भी मिल सकती है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से देखनी है कि आपको कहाँ से लेना है और कहाँ से शॉपिंग नहीं करनी है। फिफ्थ है वहाँ के क्लोथिंग को लेके। अगर आप एक फीमेल ट्रैवलर है, खासकर अगर आप किसी पैलेस में या टेम्पल में जा रही हैं और आपने टैंक टॉप पहना हुआ, क्रॉप टॉप पहना हुआ है, तो शायद आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं, खासकर एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है तो आपको टैनिंग भी हो सकती है, और सेकेंडली वहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं, तो इसके लिए आपको वहाँ पर वो बोलेंगे कि आप रेंट पर ले लीजिए शॉल या उनका पजामा। तो उससे बचने के लिए अपने पास में शॉल रखिए या अप्रोप्रिएट क्लोथिंग कीजिए। बैंकॉक शॉपिंग के लिए काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, तो अगर आप वहाँ पर जाने के लिए अपने सूटकेस पैक करें तो एक बात का ध्यान रखें कि खाली पैक कीजिए, अपने साथ में एक एक्स्ट्रा सूटकेस रखिए, क्योंकि शॉपिंग करने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे आप काफ़ी सस्ते दामों पे अच्छे कपड़े, अच्छे शूज़ ले सकते हैं, भले आप फैमिली के साथ में या दोस्तों के साथ में। बैंकॉक में जितने टूरिस्ट आते हैं उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे स्कैम्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्कैम्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। स्कैम्स से बचने के लिए ऑफ कोर्स अनजाने लोगों से बात मत कीजिए, अगर आपको कोई मुस्कुरा के आपके पास में कुछ चीज़ ऑफर कर रहा है तो मत लीजिए। एज ए अडल्ट हो या एज ए टीनेजर हो, किसी भी टाइप के आप बंदे हो, किसी टाइप के आप ट्रैवलर हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि स्कैम में फंस जाएंगे तो काफ़ी सारे आप वहाँ पर अपने पैसे लुटा सकते हैं। बैंकॉक खाने पीने के मामले में काफ़ी खूबसूरत जगह है, बट एक चीज़ का ध्यान रखें, ऑफकोर्स आप फर्स्ट टाइम अगर बैंकॉक जाएंगे तो आपको पता नहीं कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, तो जहाँ पर भी आपको ज़्यादा ज़्यादा लोकल्स दिखें, जहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ दिखे, वहीं पर जाके आप लाइन में खड़े हो जाइए, वहीं पर खाइए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेफ जगह रहेगी खाने के मामले में।